हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और क्रिस्पी मैंने निमकी बनाई है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा और बहुत ही आसानी से ये मैंने बना ली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप जब भी ये बनाना चाहें बना सकते हो। इसी तरह वो क्रिस्पी बनेगी जैसे मेरी निमकी बनी है। और आप इसे 8 से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप एक एयर टाइट बॉक्स में इन्हें स्टोर करके रख लें और जब मन करे आप इनका मज़ा ले सकते हैं। आप इन्हें स्नैक्स की तरह खा सकते हैं या फिर आप इन्हें दीपावली के नाश्ते में एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निमकी बनाने के लिए डो तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। ये मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने छान लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन। तो ये अजवाइन इस तरीके से आप दोनों हाथों के बीच में क्रश करके डालें, उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो इसके बाद हम डाल देते हैं नमक। तो ये 1/2 टेबल स्पून है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक और अजवाइन मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। अब इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ डालें 1 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पे ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उससे निमकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब हमें इसका डो तैयार करना है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाद में हम इसका डो तैयार करेंगे। तो अब हम इसका डो तैयार करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार कर लेंगे। इसका डो आपको बिल्कुल मुलायम नहीं लगाना है, हल्का सा इसे आपको सख्त लगाना है, क्योंकि अगर आप इसे बिल्कुल मुलायम लगाएंगे तो आपकी जो निमकी बनेगी वो भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर थोड़े टाइट हाथ का यूज़ करें। तो इसे मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसे थोड़ा सा गूंथ लेते हैं और पानी आपको इसमें थोड़ा यूज़ करना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है वरना ये गीला हो जाएगा तो आपको बेलते टाइम बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसे 1 से 2 मिनट तक हम गूंद लेंगे। तो इसका मैंने बिल्कुल सख्त सा डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम रेस्ट को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे वरना ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हम जब इसका डो तैयार करें उसके बाद हम तुरंत निमकी बना लेंगे। तो ये मैंने डो तैयार कर लिया है। अब हम इनकी निमकी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लोइयाँ तोड़ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं स्मॉल साइज़ की हमें निमकी बनाने की लोइयाँ तोड़नी है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की लोइयाँ तोड़ ली। अभी इन्हें हम साइड में रख देते हैं और एक लोई की मैं आपको निमकी बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बेलना है। पहले आप इसे बिल्कुल जैसे हम पूरी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसे शेप दे दें, बाद में हम इसकी लेयर तैयार करेंगे। तो ये मैंने पूरी बराबर इसे अच्छे से बेल लिया। तो अब हम इसकी लेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑयल लगा दें आप। इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे मैदा डस्ट कर दें। आप इस तरीके से फोल्ड करें, फिर से इस साइड ऑयल लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पे मैदा डस्ट कर देंगे। आप इसे बंद कर देंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ट्राइंगल हो गया। इस तरीके से एक निमकी बन गई। आप चाहें तो ये बेल भी सकते हैं। तो दूसरी निमकी बना लेते हैं। आपको ऑयल के बाद यहाँ पर मैदा थोड़ा सा डस्ट करना है, उससे लेयर बहुत अच्छे से निकलती है। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो लेयर बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। इसीलिए ऑयल लगाने के बाद आप यहाँ पे मैदा हल्का सा डस्ट कर लें। तो इसे भी मैंने बिल्कुल पूरी के बराबर बेल लिया है। अब हम इसकी भी निमकी बनाते हैं। तो इसमें भी हम ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करें, इसके बाद फोल्ड कर दें इसे, फिर से ऑयल लगाएंगे और फिर से हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो ये एक और निमकी बन गई। आप चाहें तो ये बेल लें, लेकिन मैंने इसी तरीके से बिना बेले सारी निमकी बना ली। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल डाल देते हैं कढ़ाई में। मैं यहाँ पे फ्राई के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया बनेंगी ये और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी।
तो हमें ऑयल को हल्का गर्म होने देना है, ठंडे ऑयल में आप इसे बिल्कुल भी ना डालें वरना ये बिल्कुल पूरी की तरह मुलायम हो जाएंगी बनने के बाद। तो एक छोटी सी बॉल डालकर मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो ये बॉल आप देख सकते हैं ऊपर आने लगी है, मतलब ऑयल हमारा रेडी। अब हम निमकी डाल देते हैं इसमें और फ्लेम अब हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में ही हमें ने सिकने देंगे। तो ये मैंने सारी निमकी डाल दी इसमें। अब हम इन्हें बराबर चलाते हुए सेक लेंगे। सेकते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर पहले हाई फ्लेम रखें, बाद में मीडियम फ्लेम पर इन्हें सिकने दें। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें सेकने में करीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये व्हाइट है, जब इनका कलर हल्का गोल्डन हो जाएगा तब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो सारी निमकी हमें पलटते हुए सेकनी है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर इनका हो गया है, ये अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि इनकी बहुत सारी लेयर्स हैं तो इनमें ऑयल आ जाता है। दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। और इन्हें हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट में रख लिया। दूसरा बैच भी बिल्कुल ऐसे ही हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे इन्हें। तो ये भी आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की हो गई। अब मैं इन्हें भी निकाल रही हूँ। तो इन्हें भी प्लेट में रख लें। तो निमकी बन गई, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। एक मैं तोड़कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं लेयर्स भी बड़ी आए हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप भी एक बार ये जरूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और आप इस तरीके से क्रिस्पी बनाएंगे तो आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, कई दिन तक ये बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगी। तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और आपके घर में भी जब आप ये बनाएंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल में टर्न कर लें ताकि आपको इसी तरीके की टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियोज़ तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।